नमस्कार। आज हम सबके सिर शर्म से झुक जाने चाहिए, इसीलिए नहीं क्योंकि हमने भीड़ की हिंसा के सामने एक जांबाज पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गवा दिया, बल्कि इसलिए कि जब उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से सवाल पूछा गया कि इसके पीछे कौन सा संगठन है, तो डर के मारे उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। जबकि आरोपी बजरंग दल बीजेपी के सहयोगी संगठनों से जुड़ते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमें शर्म इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोला सिंह इस वक्त हत्यारों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमें शर्म इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका इसमें जिस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि समाज में और जहर भरने की कोशिश की जा रही है। मगर आज कोबरा पोस्ट के उमेश पाटिल और आसित दीक्षित आपके सामने एक बहुत अहम पड़ताल लेकर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह दादरी कांड में, जिसमें अखलाक को मार दिया गया था, उस वक्त वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। ये बात इस वक्त मीडिया में एक तरह से जगजाहिर हो चुकी है, मगर क्या आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार ने लगातार दबाव बनाया था, मगर वो झुके नहीं थे। ये था उनका सच, ये थी उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये था उनका फर्ज। और जैसे कि मैंने कहा ना, आज हम में से कई लोगों के सिर शर्म से झुक जाने चाहिए। पॉलिटिकल ये चाहती थी कि इस मीट को जो घर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट सरकार थी वो ये चाहती थी हम लोगों पर और डॉक्टर पर ये भी दबाव बनाया गया कि इस मीट को चेंज कर दिया जाए। अच्छा, क्या कर दिया जाए? मीट को चेंज कर दिया जाए। जो मीट हमने मौके से लिया था उसकी जगह जो मीट प्लांट कर दिया जाए। अच्छा, अच्छा, मतलब उसको लूंगा। अभी दो दिन पहले बुलंदशहर में गौ रक्षकों की एक उन्मादी भीड़ ने सियाना के SHO सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपुष्ट खबरों के मुताबिक इस हत्यारी भीड़ में शामिल एक गौरक्षक ने कहा था ये वही SHO है। कौन है? इसके बाद भीड़ की मार से अधमरे पुलिस ऑफिसर को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। घटना के बाद मृतक अधिकारी के सर्विस रिवॉल्वर और उनका मोबाइल गायब पाए गए हैं। कथित गौरक्षक का ये कहना ये वही SHO है कहीं 28 सितंबर 2015 को बुलंदशहर से कोई 35 किलोमीटर दूर हुए अखलाक हत्याकांड की तरफ इशारा तो नहीं था। आपको बता दें कि इस दिन दादरी के बिसाड़ा गांव के अखलाक की उसी के गांव वालों ने गौक्षी के आरोप में हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जाँच का जिम्मा थाना जारचा में तैनात सुबोध कुमार सिंह को दिया गया था। सुबोध कुमार सिंह ने न सिर्फ गांव में सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के प्रयास किए, बल्कि इस हत्या में संलिप्त 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर केस को अपने तार्किक परिणति तक पहुंचाने का भी प्रयास किया था। आगे चलकर कुल 18 अभियुक्त इस हत्याकांड में नामजद हुए थे, लेकिन इस केस में जाँच पूरी होने से पहले करीब 40 दिन के भीतर ही सुबोध कुमार सिंह का तबादला बनारस कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का ये फैसला चौंकाने वाला था। सभी की जुबान पर ये यक्ष प्रश्न था, आखिर क्यों? बीच जांच सुबोध सिंह का तबादला होना, उसके बाद राज्य पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रिमिनली रिपोर्ट में मौकाए वारदात से जब्त किए गए मीट को मटन बताया जाना, और फिर मई 2016 में मथुरा फॉरेंसिक साइंस लैब द्वारा उसी मीट को गोमांस बताया जाना, ये सब इस बात का संकेत थे कि जांच को प्रभावित कर एक दिशा में मोड़ने की कोशिश शासन प्रशासन की तरफ से की गई थी। आपको याद दिला दें कि तब राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी। कोबरा पोस्ट के साथ हुई एक मुलाकात में सुबोध कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया
कि सरकार और उसके वरिष्ठतम अधिकारियों ने केस की दिशा को मोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला था। जब उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया तो उनका तबादला कर दिया गया। अपने इस चौंकाने वाले खुलासे में आइए हम आपको सुबोध कुमार सिंह से हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं सर? तो पॉलिटिकल प्रेशर कुछ नहीं था। अच्छा, पॉलिटिकल ये चाहती थी कि इस मीट को जो घर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट सरकार थी वो ये चाहती थी हम लोगों को और डॉक्टर पे ये भी दबाव बनाएगा कि इस मीट को चेंज कर दिया जाए। अच्छा, क्या कर दिया जाए? मीट को चेंज कर दिया जाए। जो मीट हमने मौके से लिया था उसकी जगह जो मीट प्लांट कर दिया जाए। अच्छा अच्छा, मतलब उसको होगा और हम लोग मना कर दिया, हम नहीं कर पाए क्योंकि मीट जो होता तीन एक एक जो घटना स्थल से मीट दिया गया था उसके तीन जार बनते हैं। एक तो थाने में रहता है, एक क्या फसल चला जाता है, एक डॉक्टर के बचा जाता है, वो जा चुका था। हम फिर हम चेंज करते हैं 218 के मुझे हम मिल जाएंगे। अरे सर, एक पॉइंट और था, उसी में ट्रांसफर भी हुआ था। अच्छा, उसी वजह से आपने मतलब सपा गवर्नमेंट में बात की। तो देखा आपने, सरकार की ओर से मीट के सैंपल बदलने का दबाव था। जाहिर है सुबोध कुमार सिंह जानते थे कि ऐसा करना आईपीसी की धारा 201 और 218 का उल्लंघन होगा। अगर वो ऐसा करते तो भारतीय कानून की नजर में वो साक्ष्य मिटाकर अपराधी की सहायता करने के अपराधी बन जाते। अपने ट्रांसफर की वजह बताने के बाद सुबोध कुमार सिंह ने कोबरा पोस्ट को बताया कि दादरी स्थित पशु चिकित्सा अधिकारी ने किस तरह अपनी रिपोर्ट को दबाव के चलते बदल दिया था। सुनिए उनकी जुबान। असलियत ये है कि डॉक्टर से रिपोर्ट चेंज कराई थी। अच्छा, कौन से बफेलो डॉक्टर से? बता रहा हूँ, समझा नहीं मतलब कैसे। जो रिपोर्ट दी डॉक्टर ने भी रिपोर्ट दी थी कि गाय का ही मीट है। हाँ, तो जो रिपोर्ट दी जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। वो रिपोर्ट गाय के मीट की ही दी थी, दादरी वाला, दादरी वाला। अच्छा अच्छा, लेकिन डॉक्टर से रिपोर्ट चेंज कराई गई। अच्छा? मैंने चेंज करने से मना कर दिया। अच्छा अच्छा, उसकी कॉपी आज भी मेरे पास है, ओरिजिनल कॉपी। इसमें डॉक्टर ने लिखा है कि द मीट ऑफ काउ काउ मतलब काउ सेल्फ मतलब इफेक्टेड। अच्छा सर, एक चीज़ का उसको रिपोर्ट चेंज किया है। रिपोर्ट मुझसे मेरे पास भेज दी थी, डीएम नगेंद्र प्रताप सिंह डीएम थे, उन्होंने कहा कि सुबोध रिपोर्ट मुझे वापस कर दी। मैंने रिपोर्ट वापस कर दी, लेकिन मैंने धीरे से रिपोर्ट को भी करा लिया। इन्होंने उस समय डॉक्टर ने लिख के दे दिया था, दे दिया था लिख के। अच्छा, रात को ये हुआ कि यहाँ भी चेंज कराया जाए मीट, मैंने चेंज करने से मना कर दिया। इसके आगे सुबोध कुमार सिंह ने जो कहा उससे जाहिर हो जाता है कि तत्कालीन राज्य सरकार रिपोर्ट बदलने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों पर दबाव डाल रही थी। एक एसडीएम और एक सीओ डॉक्टर एफएसएल मथुरा भी आए थे। अच्छा, उन्होंने मीट को देने से मना कर दिया। अच्छा, हमारा सब इंस्पेक्टर भी आया था। अच्छा, तो उसमें मतलब ये हुआ कि अखिलेश सरकार चाहती थी कि एक गाँव गाय साबित ना हो। कथित गौरक्षकों ने जिस तरह से एसएचओ सुबोध कुमार सिंह की दिन दहाड़े हत्या की है वो अपने आप में बेहद ही शर्मनाक और चिंताजनक है। उनकी हत्या से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के बावजूद गौरक्षकों पर मौजूद सरकारें कोई लगाम नहीं लगा पा रही हैं, बल्कि इस दिशा में कोई इच्छा शक्ति नजर ही नहीं आती। तभी खुद को गौरक्षक बताने वाली उन्मादी भीड़ ने एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी को चिन्हित करके दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी। ये भी अपने आप में शर्मनाक है कि एक सेकुलरवादी सरकार भी ऐसे अधिकारी पर अपने मनमाफिक काम करने का दबाव डालती है और उसके ना करने पर सजा के बतौर उसे दूर ट्रांसफर कर देती है। कोबरा पोस्ट ने गौतम बुद्ध नगर जिले के तत्कालीन डीएम नागेंद्र प्रताप सिंह से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुबोध कुमार सिंह से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बात करने से
साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोबरा पोस्ट का यह खुलासा हमारी उस तहकीकात का हिस्सा है जो हमने एक वर्ष पहले देश में गाय के नाम पर हो रही हत्याओं पर शुरू की थी। इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स उमेश पाटिल और आशी दीक्षित ने फिल्म रिसर्चर के रूप में सुबोध कुमार सिंह से मुलाकात की। इसी कारण हमारी वो तहकीकात पूरी ना हो सकी। इस खुलासे के पीछे हमारा एकमात्र मकसद यही है कि सुबोध कुमार सिंह के साथ हुई नाइंसाफी की सच्चाई जग जाहिर हो सके। हमें उम्मीद है कि मौजूदा सरकार इस खुलासे का संज्ञान लेते हुए मामले की तहकीकात कराएगी और अकलात हत्याकांड में इस लीपापोती में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि कम से कम उनका बेटा अभिषेक हमें एक संदेश दे रहा है। वो कह रहा है कि समाज में किस तरह से हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, जिसकी कीमत उनके पिता ने चुकाई। हमें उम्मीद है कि ये सकारात्मक संदेश उन तमाम लोगों को जाएगा जो इस वक्त माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि कोबरा पोस्ट की हमारी ये पड़ताल आपको कैसी लगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।